बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम क्लास 10th। आई एम योर पाकिस्तान स्टडीज टीचर एंड टुडे आवर टॉपिक इज नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स एंड इंश्योरेंस कंपनीज, पेज नंबर 5। आवर फर्स्ट लेसन वाज अबाउट द ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो एरा एंड वी रीड मैन एस्पेक्ट्स ऑफ द इकोनॉमिक रिफॉर्म ड्यूरिंग 1971-77 एंड नेशनलाइजेशन ऑफ इंडस्ट्रीज एंड टुडे नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक एंड इंश्योरेंस कंपनीज ड्यूरिंग द सेम एरा। द बिग कैपिटलिस्ट फैमिलीज हैड देयर ओन बैंक्स एंड इंश्योरेंस कंपनीज विच वर इनकरेजिंग द कैपिटलिस्ट सिस्टम। द गवर्नमेंट वॉज नॉट गेनिंग एनी कंसिडरेबल प्रॉफिट फ्रॉम दीज यूनिट्स। फॉर द इकोनॉमिक स्टेबिलिटी ऑफ द कंट्री ऑल इंश्योरेंस कंपनीज वर नेशनलाइज एंड मर्ज अंडर द कंट्रोल ऑफ स्टेट लाइफ कॉरपोरेशन on 19th March 1972. All the scheduled banks were also taken over by the government of Pakistan on 1st January 1974. Nationalization of banks and insurance companies proved very fruitful for the economic stability and prosperity of people of Pakistan. The profit gained was spent for the betterment of the public. जो बड़े सरमायादार ख़ानदान थे उनके अपने बैंक थे और उनका अपना और उनकी अपनी इंश्योरेंस कंपनीज थी, और इससे जो था मुल्क के अंदर सरमायादाराना जो निज़ाम था जिसके ऊपर चंद फैमिलीज चंद ख़ानदानों का कब्ज़ा था उसको और तकवीत मिली। द गवर्नमेंट वॉज नॉट गेनिंग एनी कंसिडरेबल प्रॉफिट फ्राम दीज यूनिट्स। और जो हुकूमत वक्त थी यानी जैड ए भुट्टो की जो गवर्नमेंट थी उन्हें कोई भी ख़ास मुनाफा जो था इन सनती इदारों या इन इंश्योरेंस कंपनीज या इन बैंक से हासिल नहीं हो रहा था। फॉर द इकोनॉमिक स्टेबिलिटी ऑफ द कंट्री ऑल इंश्योरेंस कंपनीज वर नेशनलाइज। इसीलिए मुल्क की जो माशी सूरतेहाल थी इसको बेहतर करने के लिए, इसको स्टेबल करने के लिए गवर्नमेंट ने जितनी भी इंश्योरेंस कंपनीज थी उनको स्टेट लाइफ कॉरपोरेशन के अंदर शामिल कर दिया 19 मार्च 1972 को। और स्टेट लाइफ कॉरपोरेशन जो है वो लार्जेस्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है पाकिस्तान की। फिर हम देखते हैं जितने भी शेड्यूल बैंक थे उनको भी गवर्नमेंट ने अपने कंट्रोल में ले लिया 1st January 1974 को। और शेड्यूल बैंक्स आर द बैंक्स दैट डू नॉट काज हार्म टू द डिपॉजिटर्स, ठीक है। और फिर नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स एंड इंश्योरेंस कंपनीज प्रूव्ड वेरी फ्रूटफुल फॉर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी एंड प्रॉस्पेरिटी ऑफ द पीपल ऑफ पाकिस्तान। और जो ये गवर्नमेंट ने बैंक्स और इंश्योरेंस कंपनीज को स्टेट के कंट्रोल में दिया तो ये मुल्क के लिए लोगों की खुशहाली के लिए बहुत ही बेहतर साबित हुआ। जितना भी प्रॉफिट था जो इन कंपनी से और जो इन बैंक से हासिल किया गया वो पब्लिक की यानी अवाम की बेटरमेंट के लिए खर्च किया गया। अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं इसी इरा का यानी जैड ए भुट्टो के इरा का, वो है लेबर रिफॉर्म। लेबर रिफॉर्म ड्यूरिंग 1971-1977, पेज नंबर 6। भुट्टोज गवर्नमेंट अनाउंस द न्यू लेबर पॉलिसी ऑन 10th February 1972। द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स आर एज अंडर। और जो मज़दूरों के लिए जो इस्लाहात और जो पॉलिसी इस गवर्नमेंट ने अनाउंस की उसके जो इम्पोर्टेंट फीचर्स हैं वो ये हैं। नंबर वन, द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द लेबरर्स वर इंक्लूडेड इन द एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी विच वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर रनिंग द अफेयर्स ऑफ द फैक्ट्री। देयर रिप्रेजेंटेशन वाज 20% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ एंड दे हैड द राइट टू चेक द अकाउंट्स एंड स्टोर। यानी जो मजदूर थे उनके नुमाइंदों को जो फैक्ट्रीज थी या जो मिल्स थी उनकी जो कमेटी थी इंतज़ामी जो कमेटियां होती हैं उनके अंदर मजदूरों के नुमाइंदों को भी शामिल किया गया, उनका कोटा 20% था। फिर नंबर टू, एनुअल बोनस इक्वल टू 1 month सैलरी वाज अनाउंस्ड फॉर लेबरर्स। स्पेशल बोनसेस वर आल्सो अनाउंस्ड इन केस द प्रोडक्शन इंक्रीज। और जो मजदूर थे उनके लिए स्पेशल बोनस जो है वो अनाउंस किए गए और उनकी एक तनख्वाह के बराबर हर साल उनको बोनस मिलता। और फिर अगर किसी भी चीज़ की प्रोडक्शन में इजाफा होता या सरप्लस प्रोडक्शन जब होती तब भी मजदूरों को स्पेशल बोनसेस दिए जाते। नंबर थ्री, द वर्किंग टाइम ऑफ द लेबरर्स वाज रीशेड्यूल्ड। 48 वर्किंग आवर्स विद इन अ वीक वर रेगुलेटेड इंस्टेड ऑफ 54 आवर। दे वुड बी गिवन एक्स्ट्रा रिम्यूनरेशन इफ दे विलिंगली वर्क ओवर टाइम।
फिर हम देखते हैं कि जो मजदूरों के औकात थे, यानी वर्किंग जो टाइम था, वर्किंग जो आवर थे, उनको 54 घंटों यानी 54 आवर्स से कम करके 48 घंटे 48 आवर्स मुकर्रर किया गया। और फिर जो मजदूर एक्स्ट्रा टाइम लगाते हैं, फिर उनको उनके एक्स्ट्रा टाइम या ओवर टाइम के भी पैसे दिए जाते। नंबर फोर, एवरी लेबरर वुड हैव द राइट्स ऑफ ओल्ड एज पेंशन इंश्योरेंस एंड ग्रेचुएटी मेडिकल फैसिलिटीज अंडर द सोशल सिक्योरिटी स्कीम वुड बी गिवन टू द लेबरर्स एंड इट वुड बी पेड फॉर बाय द ओनर्स। और जो लेबरर्स थे उनको पेंशन के हकूक दिए गए, इस तरह से इंश्योरेंस के हक उन्हें दिया गया, फिर मेडिकल फैसिलिटीज दी गई और इस तरह की ऐसी स्कीम्स अनाउंस की गई ताकि मजदूरों को रिटायरमेंट के बाद और दौरान सर्विस उनको फ़ायदा हासिल हो सके। नंबर 5, एवरी लेबरर वुड बी प्रोवाइडेड विद रेजिडेंशियल एंड एजुकेशनल फैसिलिटी, और हर मजदूर को उनके रहने और फिर उसकी फैमिली में या बच्चों के लिए तालीम की जो सहूलतें थी वो भी दी गई। मेडिकल चेकअप वुड बी मैंडेटरी, फ्री एजुकेशन अप टू मैट्रिकुलेशन फॉर एटलीस्ट वन चाइल्ड वाज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द फैक्ट्री। फिर इस तरह से फ्री मेडिकल चेकअप की सहूलत दी गई, मुफ्त तालीम जो थी वो एक बच्चे के लिए कम अज़ कम जो थी वो फैक्ट्री की जिम्मेदारी करार दिया गया। नंबर 6, एन इंडस्ट्रियल रिलेशन कमीशन वॉज सेट अप फॉर द सेटलमेंट ऑफ द डिस्प्यूट अमंग द लेबर थ्रू ट्रेड यूनियन। और फिर ट्रेड यूनियन के थ्रू जो भी मजदूरों और जो फैक्ट्री ओनर्स होते हैं उनके दरमियान जितने भी डिस्प्यूट क्या होता है, फाइट्स या लड़ाइयाँ होती थी, उसके लिए एक इंडस्ट्रियल रिलेशन कमीशन जो है वो बनाया गया। फिर हम देखते हैं जूनियर कोर्ट्स फॉर सेटअप इन दिस रिस्पेक्ट सो दैट लेबर कुड हैव द राइट टू टेक देयर केसेस टू द लेबर कोर्ट। फिर मजदूरों के लिए स्पेशल कोर्ट्स जो है वो इस्टेब्लिश की गई ताकि जो भी उनके डिस्प्यूट्स हैं या केसेज हैं अगर मजदूर वो लेके जाना चाहें तो उनके लिए स्पेशल अदालतें थी। A post of stewardship was created who was responsible for settling differences between the mill owners and the laborer. इसी तरह से एक पोस्ट थी जो स्टीवर्डशिप की वो बनाई गई, यानी ये वो पोस्ट होती है। इट वॉज अ जॉब फॉर द सुपरविजन समथिंग रिस्पॉन्सिबल इन सेटलिंग द डिस्प्यूट बिटवीन मिल ओनर एंड लेबरर। और ये एक ऐसी पोस्ट थी जो कि निगरानी करती हर तरह के जो इख्तलाफात होते फैक्ट्री या मिल ओनर्स के, मालकान के और मजदूरों के दरमियान जितने भी इशूज़ या जितने भी डिस्प्यूट थे उनको देखने के लिए, उनको सॉल्व करने के लिए ये पोस्ट क्रिएट की गई। नंबर 8, मिल ओनर्स वर बाउंड टू गिव सॉलिड डिसीजन बिफोर टर्मिनेशन ऑफ अ लेबरर फॉर अ जॉब सिक्योरिटी पर्पस टू दैट अनफेयर टर्मिनेशन कुड बी अवॉइडेड। और अगर कोई भी मिल मालकान जो थे वो अगर किसी मजदूर को निकालते टर्मिनेट करते तो वो उसके लिए प्रॉपर वजह बयान करते ताकि जो अनफेयर जो नाइंसाफी मजदूरों के साथ होती है निकालते वक्त उसको ख़त्म किया जाए। तो ये वो सारे स्टेप्स से बच्चों जो कि मजदूरों की बेहतरी के लिए हुकूमत ने उठाए, और इसी तरह से उनकी जो मुख्तलिफ हमने पॉइंट देखे उसके मुताबिक जो था उनका कोटा जो था वो इंतज़ामी कमेटी के अंदर वो बढ़ाया गया, और मजदूरों को जो फैक्ट्री की सुपरविजन कमेटी है उसके अंदर जगह दी गई। इसी तरह से उनके लिए सालाना जो है वो बोनसेस अनाउंस किए गए, यानी हर साल उनको स्पेशल बोनस एक मंथ की सैलरी के बराबर मिलता। इसी तरह से उनके जो वर्किंग आवर्स थे वो 54 से कम करके 48 किए गए, और अगर कोई एक्स्ट्रा टाइम लगाता तो उसके लिए भी उसको पे किया जाए। फिर इसी तरह से उनकी जो मुख्तलिफ हकूक थे, यानी ओल्ड एज पेंशन की या इंश्योरेंस की या मेडिकल और एजुकेशन की जो फैसिलिटीज़ थी वो उनको मुहैया करने का ऐलान किया गया। इसी तरह से स्पेशल कोर्ट जो थी वो लेबर कोर्ट जो थी वो सेटअप की गई ताकि जितने भी डिस्प्यूट्स हैं लेबरर्स के और मिल ओनर्स के इनको ख़त्म किया जा सके। और अगर कोई भी मिल ओनर जो है किसी मजदूर को अपनी फैक्ट्री या मिल से निकालता है तो उसके लिए वो रीज़न दे ताकि किसी भी मजदूर के साथ नाइंसाफ़ी ना हो। तो ये बच्चों आज हमारा लेसन था, पेज नंबर 5 और 6 में हमने ये रीडिंग की है। आप इन्हीं 2 पेजेस को दोबारा रीड आउट करें, और डिफ़िकल्ट वर्ड के लिए आप डिक्शनरी देख सकते हैं, और इसमें से आपका जो क्वेश्चन है वो एक ही क्वेश्चन है जिसमें आपने राइट फ्यू लेबर रिफॉर्म ड्यूरिंग 1971-77, तो इसमें आपने एनी 3 लेबर रिफॉर्म लिखनी है फ्रॉम पेज नंबर 6। ये आंसर आपने अपनी नीट नोटबुक्स पे करना है और इसको लर्न करना है। टोटल 8 लेबर रिफॉर्म है, यू कैन राइट एनी 3 फ्रॉम दीज। थैंक यू।